लोकसभा चुनाव का पर्व पूरे देश में चल रहा है। इसी सिलसिले में पांचवें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसी चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, कौशल किशोर, निरंजन ज्योति व यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सहित 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। ऐशबाग रस्तोगी इंटर कॉलेज में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने वोट डालकर सेल्फी प्वाइंट पर फोटो ली। वहीं ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि लखनऊ पूर्व 173 में 364 पर नोटा बटन काम नहीं कर रहा है, मशीन बदलवाई जा रही है। साथ ही भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी मैदान मवई गांव के लीला टिकरा प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 347 पर अपना मतदान करेंगी। साथ ही लखनऊ के मलिहाबाद ब्लॉक के लोधौसी गाँव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीण लोधौसी से मलिहाबाद से जाने वाले ब्रिज के निर्माण का विरोध जता रहे हैं। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी सौरभ सिंह मौके पर पहुंचे, वहां गांव वालों से मतदान करने की अपील की, लेकिन अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि पांचवें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, मोहनलालगंज, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, बाराबंकी, कैसरगंज और गोंडा में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी हो गई थी। वहीं सुबह 9 बजे से इन सीटों पर 12.89% मतदान हो चुका है।